हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है एंड आज की डेट में दो वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंस पाइप का बाप अगर बात की जाए ये कंपनी काफी बेहतरीन है इससे रिलेटेड बातें करी है और यहाँ पर एक कंपनी से रिलेटेड बातें करी है जो चार्ट ऑफ द डे है जो कभी भी आपके पैसे को बेहतरीन पर मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है इसकी तरफ ध्यान दीजिए और अगर बात की जाए यहाँ पर प्ले आपके लिए बना रखिये आपको सीखना है सीख के यहाँ पर अगर आप नए हैं तो सीखिए सबसे पहले और सीखने के बाद मार्केट में यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू करिए ओके मार्केट में प्ले करना शुरू करिए और फिर अच्छा खासा आपको मार्केट से बनता हुआ दिखाई देगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि छह स्टॉक्स ऐसे कि अगर कोई नया भी है कोई बंदा अगर इसे इश्टे, इश्टे, अगर शेयर बाजार से रिलेटेड कुछ नॉलेज भी नहीं है तो आंख बंद करके अगर उन स्टॉक्स को ले लेगा ना तो उन्हें कभी एक घाटा नहीं होगा ऐसे छह स्टॉक्स से रिलेटेड हम बातें करने वाले देखिए मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं बट फिर भी इन स्टॉक्स की बात की जाए इनकी हिस्ट्री ये बताती है कि इनमें बस आँख बंद करके आप पैसा लगा दो तो आप किसी भी लेवल पर पैसा लगा दो चाहे वो अपने टॉप पर बैठे हो या फिर अपने लो पर बैठे हो

और बहुत पुराने टाइम से अगर बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो आप यहाँ देख सकते हैं कब यहाँ पर 2005 नहीं बल्कि और भी बी में अगर हम देखें तो 1986 और 1996 से आई थी 1996 से यहाँ पर मार्केट में है और कुछ पैसों का स्टॉक हुआ करता था एक रुपए से भी कम का और आज की डेट में अगर बात करते हैं तो आज की डेट में टॉप पर बैठा हुआ है इसका जो चार्ट पैटर्न है वो बताता है कि देखिए थोड़ी बहुत गिरावट होती आई है इस शेयर में बट इसने बेहतरीन रिटर्न हमेशा देते हुए आया है और मल्टी बैगर रिटर्न दिया है एज वेल एज अगर बात करें तो इसने जो आपको बोनस दी है बोनस प्लेट उसकी भी क्वांटिटी कम नहीं है बात करें आईटी का दिग्गज दूसरे नंबर का इंडिया का सबसे बड़ा शेयर है मार्केट कैपिटल छह लाख सत्रह करोड़ के आसपास है डेट फ्री लगभग कंपनी है आर काफी बेहतरीन है और कंपनी जिस तरीके से वर्ल्ड बदलता है जिस तरीके से जिस आई में चेंजेस होते हैं इन्फोसिस सबसे पहले इस चीज को अपनाता है और बात किया जाए यहाँ पर हाइएस्ट एवर रिवेन्यू ईयरली क्वार्टरली वाइज आपको दिखाई देंगे यहाँ पर क्वार्टरली वाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई देगा और ईयरली वाइज यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको नेट प्रॉफिट सेल्स यहाँ पर सब चीज आपको दिखाई देगी एक एक एस, एक एक इस साल में एक एक लाख करोड़ रुपए की इनकी सेल्स होती है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए रिजर्व की बात करें रिजर्व अच्छे खासे से करोड़ के आसपास के डेट थोड़ा सा है मामूली सा और अब दोबारा कभी कभी भी कंपनी आपको बोनस देने के लिए तैयार है और बात करें यहाँ पर अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो एफ आई की होल्डिंग देखिए लगभग थर्टी थ्री परसेंट के आसपास डी आई होल्डिंग ट्वेंटी थ्री के आसपास और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास यहाँ पर और निकालते डच बैंक और नेशनल पेंशन सिस्टम अगर इन्हें निकाल देते हैं तो लगभग लगभग दस ग्यारह बारह परसेंट के आसपास की हिस्सेदारी है तो इनफोसिस उस लिस्ट में यहाँ पर नंबर वन है इसके अलावा एक और दिग्गज शेयर जो कि आप आंख बंद करके अगर पैसा लगा देते हो तो आपको अच्छा खासा पैसा बनता हुआ आ, दिखाई देगा जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर एफ का यहाँ पर दिग्गज शेयर जिसका मार्केट कैपिटल है पांच लाख सतहत्तर हजार करोड़ के लगभग अगर बात करें इसके जो प्रोडक्ट है आपके घर में तीन से चार प्रोडक्ट तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे अगर आप जाएंगे यहाँ पर नीचे तो आप इनके इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके सारे प्रोडक्ट्स दिग्गज प्रोडक्ट्स है साबुन से लेके सरफ से लेके आप खाने पीने की चीजें यहाँ पर सारी की सारी चीजें यही कंपनी बनाती हुई मोस्टली नजर आती है इनकी वेबसाइट को थ्रू कर लीजिएगा इससे रिलेटेड पहले ही वीडियो बनाई थी और टारगेट बताया था उस टाइम टारगेट हमारा अगले दिन ही अचीव हो भी रहा था धीरे धीरे काफी शेयर भागा भी था दोबारा एक अपॉर्चुनिटी रहा है स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आर की बात करें चालीस परसेंट की आर से कंपनी काम करती है मतलब आपका पैसा मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली कंपनी है यहाँ पर सेल्स की बात करें हाईस्ट टाइवर सेल्स क्वार्टरली ईयरली वाइज यहाँ पर दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट सब चीज यहाँ पर हाइएस्ट एवर है कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है दस हजार दस में सत्रह करोड़ की सेल्स थी

12% की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स का 61% की तो ये दूसरा स्टॉक है इसके अलावा हमारा स्टॉक आता है एक और दिग्गज जो निफ्टी 50 का स्टॉक है अगर बात करें यहाँ पर HDFC ये है हिंदुस्तान सॉरी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो अगर इस शेयर की बात करें ये भी लगभग साढ़े चार लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल के साथ आता है और फा, फाइनेंस के सेक्टर में यहाँ पर नंबर वन पे यहाँ पर स्टैंड करता है और जब से निफ्टी फिफ्टी है तब से ये शेयर यहाँ पर दिखाई देता है लिस्ट होता हुआ आर ओ सी नौ दस परसेंट के आसपास है और बात करें मार्केट कैपिटल काफी बेहतरीन है ही है और यहाँ पर और भी कुछ चीजों की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में यहाँ पर बढ़ता हुआ इनका रेवेन्यू नजर आया है प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है ईयरली क्वार्टरली बेस पे नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है रेवेन्यू देखा है तो पच्चीस हजार दस साल पहले पच्चीस हजार करोड़ का रेवेन्यू था तो आज एक लाख चालीस हजार करोड़ के आसपास का रिवेन्यू है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ बढ़ रहा है कितनी दिग्गज है और बोरिंग की बात नहीं करता क्योंकि काम ही यहाँ पर बॉरिंग लेना देना है तो इस चीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और बात करें अब एफ की तो एफ आई आई के पास ही यहाँ पर सेवेंटी टू की हिस्सेदारी है इस चीज को देखिए डीआईएस की बात करें सोलह के शेयर है बाकी पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 10% की हिस्सेदारी है मतलब ऐसे शेयर को बड़े-बड़े लोग देना ही नहीं चाहते अपने पोर्टफोलियो से निकाल के तो इन शेयर की तरफ तीन शेयर है जो दिग्गज आपको बता दिए इसके अलावा एक और शेयर इसी ग्रुप का नजर आता है HDFC बैंक जब से निफ्टी 50 है ये भी तब से पार्ट बना हुआ है और नंबर 1 इंडिया का बैंक है 8000

होल्डिंग 25 परसेंट की छब्बीस परसेंट की एफ आई चालीस परसेंट डी आई बीस परसेंट और बात करें पब्लिक नॉर्मल पब्लिक अगेन यहाँ पर अगर बात करें केवल और केवल तेरह परसेंट की है। बाकी सारी बड़ी आ, 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 मतलब बात करें सारे बड़े बड़े लोगों के पास है इसके अलावा और बात करें यहाँ पर एक और शेयर बजाज फाइनेंस छह शेयर की बात करिए चार शेयर बता दिया है और दो शेयर आपको और बताता हूँ यहाँ पर मार्केट कैपिटल की बात करें है, तीन लाख चौसठ हजार करोड़ की मार्केट कैपिटल है ये भी शेयर काफी बहुत पुराने टाइम से निफ्टी में है तो इस चीज को देखिए और बात करें यहाँ पर इसका शेयर यहाँ पर इसका चार्ट पैटर्न तो इसका चार्ट पैटर्न आपको दंग कर देगा कभी पांच रुपए छह रुपए का शेयर हुआ करता था आज की डेट में यहाँ पर मल्टी बैगर पांच हजार करोड़ का यहाँ पर शेयर नजर आ रहा है रिवेन्यू की बात कर रही थी यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ रिवेन्यू बढ़ रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, है पे पे चेंज हो गई है तो ये चीज बताती है कि ये कंपनी कितनी ग्रोइंग है प्रॉफिट की बात करें तीन करोड़ नेट प्रॉफिट की बात करें आठ करोड़ का प्रॉफिट चौबालीसो करोड़ का प्रॉफिट है तो ये चीज आपको बताती है कि आप इन कंपनियों में रहना है अगर आपको कुछ भी नहीं आता आप केवल इन कंपनी में इन्वेस्टेड रहिए ये आपका पैसा दुगना अपने आप कर देंगे रिजर्व की बात करें छत्तीस करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है अगर बात करते हैं यहां पर और भी कुछ चीजों की प्रोमोटर्स की फिफ्टी सिक्स परसेंट देखिए ऐसे ही शेयरों में एफ सारे जित अभी तक जितने भी शेयर बताए सब में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी एफ आई चौबीस परसेंट डी दस परसेंट और बात करें नॉर्मल पब्लिक की तो नॉर्मल पब्लिक के पास केवल दस और ग्यारह परसेंट की हिस्सेदारी है तो इस चीज को देखिए इसके अलावा एक और दिग्गज शेयर इसी ग्रुप का जो आपको बताने जा रही है तो वो उसका नाम है बजाज फिंसर एक और दिग्गज शेयर मतलब लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर अगर बात करें छह शेयर में यहाँ पर बजाज फाइनेंस में इसकी हिस्सेदारी प्लस में यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी में कंपनी डील करती हुई नजर आती है तो इंश्योरेंस का काम धीरे धीरे बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा इंडिया में और तब ये शेयर मल्टीपैगर बताएगा मार्केट कैप एक लाख छियानवे हजार करोड़ का मार्केट कैप है अगर बात करें यहाँ पर कंपनी की और, और भी कुछ पैरामीटर्स की पर पर अगर देखेंगे पर भी भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो ये भी शेयर कभी कितने रुपए का सौ रुपए के आसपास हुआ करता था आज बारह हजार रुपए तक को टच करने को कोशिश कर रहा है बार बार और टच करके आ भी गया रिवेन्यू की बात करें रेवेन्यू कंसिस्टेंसी क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ रही है नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर इस कंपनी के शेयर और भी अच्छी अच्छी कंपनी में इसने इन्वेस्ट कर बेसिस पे तो यहां एक हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू साल में थोड़ा सा देख के काम करेंगे। और यहाँ पर आग बंद करके भी पैसा लगा देगा कोई भी तो आप अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाएगा और सेम अगेन दोबारा बात करें यहाँ पर प्रोमोटर्स की सिक्सटी परसेंट की टेन परसेंट डी आई एस यहाँ पर सिक्स परसेंट और दोबारा यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर एक ऐसी कंपनी आई है जहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी ज्यादा है बट फिर भी अगर बात करें यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग कितनी है 15% के आसपास ही है ज्यादा फिर भी नहीं है अगर बात करें 18-19 के आसपास है फिर भी ज्यादा नहीं है तो ये सारी चीजों को देख के आप काम करिए तो आपको पता चलेगा कि आप किसी इन में जिसकी बात करिए एच डी एफ सी बैंक एच टू के नाम से जिन्हें जाना जाता है एच डी एफ सी एच डी एफ सी बैंक और बी टू बजाज फाइनेंसा आंक बंद करके इनमें पैसा लगा दीजिए अगर आपको मार्केट में नहीं आता कुछ भी और यहाँ पर ये आपका पैसा मल्टी करके देंगे और आप अ,